साथियों, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मंच पे बैठे हुए एक एक साथी का नाम लूं और साथ में यहाँ बैठे हुए इतने साथी हैं जिनका नाम लूं, तो मैंने सबसे आसान तरीका सोचा कि किसी का नाम भी ना बहुत अच्छा लग रहा है अपने तमाम साथियों के बीच में आ जाके इस एहसास के साथ कि हम कुछ बहुत बड़े संकट का सामना करने के लिए एक बड़ा संकल्प लेके आज मिल रहे हैं। आज की बैठक क्यों पर चर्चा करने के लिए नहीं है, क्या और कैसे चर्चा करने के लिए है, इसलिए मैं बस थोड़ी सी बात क्यों पे करके फिर समय अपना क्या और कैसे पे कुछ बताऊंगा, ताकि उसके बाद हमारी जो चर्चा हो सके वो सार्थक चर्चा हो, उसमें कई जो छोटे मोटे सवाल है उसका पहले ही मैं उत्तर दूं। क्यों के बारे में मैं केवल इतना कहूंगा कि एक लोकतंत्र और एक देश के जीवन में दो तीन स्तर की चुनौतियां आती हैं। एक चुनौती होती है जो हमें लोकतंत्र में सामान्य तरीके से सामना करना पड़ता है, वो है खराब सरकार है कैसे हटानी। ये हर 5 साल की चुनौती है, खासतौर पर जन आंदोलनों की तो हर दूसरे चौथे साल की चुनौती है। खराब सरकार है, विपक्ष बहुत पसंद नहीं है, क्या करें। और ऐसे में हमें अपने मुद्दों को आगे रखना होता है, अपनी मर्यादा परिभाषित करनी होती है, ये तो करेंगे लेकिन वो नहीं करेंगे, इतना करेंगे लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे, ये सब हमारा सामान्य कायदा रहा है जन आंदोलनों का इतने वर्षों से। दूसरे स्तर की चुनौती होती है जहां सवाल सिर्फ एक सरकार को, खराब सरकार को हटाने और बेहतर सरकार लाने का नहीं, जहां सवाल लोकतंत्र बचाने का है। ये चुनौती 1977 की चुनौती थी, जहां चुनौती ये नहीं थी कि मोरारजी देसाई बने, कि चरण सिंह बने, कि जगजीवन राम बने, ये सब खींचतान तब भी चलती थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, सब। लेकिन उस वक्त था कि ये चुनौती एक हायर लेवल की चुनौती है, अब केवल लोकतंत्र बचाना है। ऐसे में हम थोड़ा अपने कुछ मुद्दों को बाजू में रखते, हर चीज को बाजू में नहीं रखेंगे। डुअल मेंबरशिप के सवाल को उस वक्त भी बाजू में नहीं रखा गया, अंततः वो सवाल आया और आना चाहिए था। सब चीजों को बाजू में नहीं रखेंगे, लेकिन काफी चीजों को हम उस वक्त बाजू में रख देंगे और कहेंगे कि इस वक्त लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, और काफी किंतु परंतु को फिलहाल मैं अपनी पॉकेट में रख लूंगा। ये 1977 था और हमने देखा कि उससे बहुत बड़ा बदलाव आया। कम से कम उसके 20-30 साल तक किसी ने इस देश के लोकतंत्र को चुनौती देने की जरूरत है। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि आज की चुनौती उससे भी एक स्तर ऊंची चुनौती है। आज सचमुच देश बचाने की चुनौती है। आज चुनौती केवल एक सरकार की नहीं है, लोकतंत्र बचाने की नहीं है, आज सचमुच संविधान का तार तार किया जा रहा है। 3 दिन पहले गुजरात में क्या हुआ, संविधान है इस देश में बचा हुआ। कोई अगर संविधान व्यवस्था होती तो अब तक सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो के इनिशिएटिव इन सब लोगों को अंदर कर चुका होगा। इस देश के 99% लोगों के लिए संविधान वो है जो कि स्थानीय थानेदार या SHO डिसाइड करता है, और वो संविधान बदल चुका है। अब वो कागज का संविधान जिसकी पूजा आप और मैं करते हैं, बस वो बदलना बाकी है, और 2-3 साल बाद वो भी बदल सकता है। आज चुनौती इस बात की है कि देश की संवैधानिक सत्ता पर काबिज लोग इस देश के संविधान को खत्म करने पर तुले हैं। आज चुनौती इस बात की है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य, जिन मूल्यों का पिछले 70 साल में पालना कभी नहीं हुई, देखिए ईमानदारी की बात है, ऐसा नहीं है कि पिछले 70 साल में कोई आजादी के आंदोलन के मूल्यों के हिसाब से काम हो रहा हो, लेकिन मैं कहता हूं एक अधर्म होता है, एक विधर्म होता है। अधर्म यह होता है कि आप सुबह जाके पूजा करते हैं और फिर दिन भर उल्टा काम करते हैं, ये पिछले 70 साल से इस देश में हुआ। विधर्म वो होता है जब आंख में आंख डाल के आप कहते हो कि ये कौन सा मूल्य हुआ, मैं तो नहीं मानता। तो आज गॉडसे की पूजा हो, आज तक गांधी की पूजा थी, काम बिल्कुल गांधी के विपरीत होता, लेकिन अब गॉडसे की पूजा हो, तो ये विधर्म का हमला है। भारत के स्वधर्म पे इससे बड़ा हमला कभी नहीं।
आज इस सभ्यता के मूल्य, यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन को भूल जाएं, संविधान को भी भूल जाएं, 3000 साल से ये देश जिस तरह से जिया आज उन मूल्यों पर धमका है, और ये सुगठित हमला है और ये सत्ता द्वारा प्रायोजित हमला है। इसका प्रतिकार करते समय हमें अपनी मर्यादा को एक नए तरीके से परिभाषित करना होगा। जनाब, यहां बैठे हुए लोगों को मैं ये तो कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, विरोध ना करना होता तो हम यहां आते ही क्यों। मैं केवल एक चीज पे कन्विंस करना चाहता हूं कि सरकार हटाने के समय जो हम मर्यादा बनाते हैं, मर्यादाओं का जाल बनाते हैं पूरा, जिसे हम थोड़ा सा ढीला कर देते हैं जब लोकतंत्र बचाने का समय होता है, लेकिन आज की जो चुनौती है इसमें बहुत चीजें हैं जो हमारे दिल को बहुत प्रिय है लेकिन जिन्हें फिलहाल हमें अपनी जेब में रखना होगा, क्योंकि देश बचा। एक बार बच गया, संघर्ष हमने पहले भी किया है कुर्सी में बैठे लोगों के साथ, और जो कोई भी कुर्सी में बैठेगा उसको आराम से हम कभी नहीं रहने देंगे, संघर्ष बाद में भी करेंगे, लेकिन संघर्ष के लिए जो जमीन है आज उस जमीन को बचाने का होता है। सो मेरा यह अनुरोध होगा कि इस प्रश्न को सामने रखते हुए आज हम जो कुछ भी सोचे वो सोचे। मैं ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं 2-3 चीज स्पष्ट कर दूं। भारत जोड़ो यात्रा का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था, मई के महीने में आया था, और जब मई के महीने में प्रस्ताव आया उस वक्त भी कांग्रेस ने एक ओपन अपील की थी देश के तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम जन संगठनों को, जन आंदोलनों को, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओस को, सिटीजन को, सबके नाम एक ओपन अपील की थी कि आप भी इस यात्रा को ज्वाइन कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा कैसे इस चुनौती से मिलती है? इस कमरे में खड़ा होकर मैं ये तो कतई ही नहीं कहूंगा कि एक यात्रा हो जाए तो बस इस चुनौती का मुकाबला हो जाएगा, नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि इस चुनौती, जिस किस्म की चुनौती आज हमारे देश में है, इसका सामना करने के लिए हम में से कुछ लोगों को अगले 20-25 वर्ष संघर्ष की तैयारी करनी होगी। इससे कम में काम नहीं चलने वाला। कितना जहर डाल दिया है समाज में कि रेपिस्ट और मर्डरर को माला पहनाई जा रही है और लोग चुपचाप देख रहे हैं, लोगों पर परसों फ्लॉगिंग हो रही है और टीवी चैनल पे कह रहे हैं डांडिया है और गिन रहे हैं 1, 2, 3। क्या हो गया इस सभ्यता और समाज? क्या ये सब एक यात्रा से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। 20 साल हमें से कुछ लोगों को, और खासतौर पे जिनके बाल मुझसे ज्यादा काले हैं, उनमें से कुछ लोगों को अगले 20-25 वर्ष अपने जीवन के इस काम में लगाने, इससे कम से काम नहीं होगा। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना टो होल्ड, अंगूठा रखने की जगह चाहिए ताकि अंगूठा रखने के बाद हम पूरा पांव टिका सकें, पांव टिकाने के बाद दरवाजा खिड़की खोल भी सके, और ये यात्रा ये काम कर सकेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक टो होल्ड, एक फुट होल्ड आप बनाएंगे जिसके बाद आप एक बार घुस के, तो फिर हम हिंदुस्तानी जानते हैं ना दरवाजे को क्यों कैसे करके खोला जाता है, वो करने का काम करने के लिए यात्रा है। पिछले एक महीने में और कुछ हुआ हो ना हुआ, मैंने इस पे लेख लिखा था जो हुसैन भाई को बहुत पसंद आया, मैंने कहा और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, 2-3 चीज हुई। पहला तो ये कि ये जो चुप्पी का माहौल था और अकेलेपन का एहसास था वो टूटा है। पहले क्या था, मुझे लगता है जो इनका विरोध करे वो अपने सड़क पे अकेला है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अकेला है, अपनी फैमिली में अकेला है। इस यात्रा ने कम से कम हजारों लोगों को सड़क पे उतार के ये एहसास करवा दिया है कि हम अकेले तो नहीं है, हजारों लोग मेरे साथ। इसका प्रतिकार करने का एक ही तरीका है कि आप सड़क पे आके कहिए नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं, और जितने लोग आएंगे उससे 100 गुना लोगों का उत्साह बढ़ेगा। अरे इतने लोग सड़क पे, ड्रोन इमेजेस देखिए, सब कुछ कीजिए, तो इससे लगता है कि हमें अकेला तो नहीं, अकेलेपन का एहसास टूटा है। ये जो चुप्पी का माहौल था उसमें एक छोटी सी दरार तो पैदा हुई है। अगर मोहन भागवत जी
को अचानक मुसलमानों से बात करने की जरूरत महसूस होती है और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी को अचानक एहसास होता है कि इस देश में गरीबी है, इस देश में आर्थिक असमानता है, बेरोजगारी है, तो मैं समझता हूं कुछ ना कुछ तो हुआ, कुछ तो हो रहा है। और इस देश की एक बड़ी पार्टी में उसका नेता मंच से बोल रहा है कि ये दुनिया का दो नंबर का आदमी कहां से पहुंचा है, इसकी संपत्ति कहां से आई है, आपकी और मेरी जेब से निकल के संपत्ति बनी है। मैं समझता हूं कोई 20-25 साल बाद होगा, हो सकता है 50 साल बाद होगा कि देश का कोई बड़ा नेता खुल के उंगली उठा के बोल रहा है इस चीज के बारे में कि कॉरपोरेट लूट क्या हो रही है। इससे लोगों में कुछ बात करने की हिम्मत बन रही है। इसलिए मेरा और हम सब का, इसलिए हम सब यहां पे इकट्ठे आ रहे हैं। हम यहां कोई कांग्रेस के मित्र नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं है अधिकांश लोग, और मुझ जैसे तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने कांग्रेस के जमाने में लाठियां खाई हैं। एक ही बार मेरा फ्रैक्चर हुआ था, वो कांग्रेस के जमाने में हुआ था। तो हम सब ने कुछ ना कुछ, यहाँ तक कई साथी है जिनका संघर्ष का इतिहास मुझसे 100 गुना बड़ा होगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि किसी पार्टी का समर्थन करना या विरोध करना सिद्धांत नहीं। हम किस मर्यादा और सिद्धांत के साथ खड़े हैं वो है, उसके साथ कौन पार्टी किस वक्त है उसके हिसाब से हम करेंगे। जिसे हम नॉन कांग्रेसिज्म, हम समाजवादी नॉन कांग्रेसिज्म बोला करते थे, वो दरअसल मैंने देवानुरु महादेव से पिछले हफ्ते चर्चा कर रहा था नॉन कांग्रेसिज्म पे, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग मत कीजिए, कोई नहीं।